नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना के रोहतक रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हीरो की तरफ से जो इनकी HF डिलक्स बाइक है 100 रुपये में प्रति पेट्रोल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1 रुपये में 1 किलोमीटर की जो कंपनी का दावा है कि हमारी जो ये HF डिलक्स बाइक है ये सबसे ज़्यादा एवरेज देती है, 100 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है और 1 रुपये में 1 किलोमीटर का जो है इनका ये दावा किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर ये HF डिलक्स जो मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मोटरसाइकिल हैं इनकी जो टंकी है, फ्यूल टैंक जो है, यहाँ पेट्रोल पंप पर इनके फ्यूल टैंक को फुल करवा दिया गया है। अब ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर का राउंड लगाकर वापस इसी पेट्रोल पंप पर आएंगे और उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि इनमें से किस मोटरसाइकिल की सबसे ज़्यादा माइलेज आई है। और जो ये कंपनी का दावा है कि 100 रुपये में 100 किलोमीटर या फिर 1 रुपये में 1 किलोमीटर का जो ये दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ यहीं गोहाना से जो HF डिलक्स जो हीरो मोटर है उनके यहाँ से जो डीलरशिप है उनके ओनर है नरेंद्र गहलाव जी, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम है, 100 रुपये में 100 किलोमीटर का दावा जो है कंपनी की तरफ से किया जा रहा है और 6 मोटरसाइकिल यहाँ पर तैयार की गई हैं। हमने ये कंपनी की तरफ से कि ये दावा होया है भाई 100 रुपये में 100 किलोमीटर चलेगी, मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आएगा पेट्रोल का। और हमने ये दिखाने के लिए आप लोगों को बुलाया है प्रेस में देने के लिए है भाई ये कहाँ तक सच्चाई है। हमने सबके टैंक फुल करवा दिए हैं, सबकी रीडिंग ले ली है और ये लगभग 40-45 किलोमीटर का ये चक्कर बनेगा और ये वापस आगे इनकी टंकी फुल करवा देंगे और आपके आगे ही हम ये सारी एवरेज निकाल के आपको बताएंगे। तो ये पहली बार इस तरह का चेक किया जा रहा है, पहले भी किया हमने, हमारी कंपनी ने बहुत जगह पहले किया है, यहाँ गोहाना में पहली बार कर रहे हैं। तो आज ये गोहाना में इस तरह की यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कितनी सच्चाई है कंपनी का जो दावा है और कितनी माइलेज ये देती है। 100 से ऊपर भी कहा जाता है कि 100 से ऊपर भी जो है ये माइलेज HF डिलक्स जो बाइक है ये देती है, तो आज इनकी सच्चाई का पता चल जाएगा। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम जो ये बाइक है इनकी रीडिंग भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितने किलोमीटर ये कितने पेट्रोल में चलती है। बालाजी पेट्रोल पंप जहाँ से 6 HF डिलक्स बाइक जो है तेल की टंकी फुल करवाने के बाद 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वापस आई है और यहाँ पेट्रोल पंप पर जो इनके अंदर तेल डलवाया गया है दोबारा से जो तेल की टंकियाँ फुल करवाई गई हैं, कितनी इनकी एवरेज आई है अब पता चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर? राजवीर। कौन सा गांव है? न्यात गांव। न्यात गांव। कितना तेल आया जी आपकी बाइक में? 40 किलोमीटर का राउंड मारे गए हैं, 18 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया। 18 रुपये का पेट्रोल लग गया 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल के आई है? चल के आई है। तो ये तो आपकी तो बहुत ज्यादा एवरेज होगी। कितनी स्पीड आपने रखी थी? मेरी 40 से 45। 40 से 45 की स्पीड में चले थे? 40 से 45 की। तो ये तो बहुत ज्यादा एवरेज दे दी मोटरसाइकिल ने। तो भाई इसकी तो मैं क्या कह सकूँ, ये तो सबके सामने की बात है। यहाँ से मैंने टंकी फुल कराई थी 1 किलोमीटर का, तो कंपनी भी दावा कर रही थी कि 1 लीटर में जो है कंपनी के दावे से ऊपर गई बात। क्या मोबाइल नंबर क्या आपका? 9541188907। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपके सामने टैंक फुल करा था और आपके सामने फिर चेक करा दिया, झूठ कैसे बोल रहे हैं? 40 किलोमीटर का 6 बाइक जा रही थी, राउंड लगा के आई है आपके सामने, यहाँ भी मीटर देखा था आपको पहले तो भी। और बाद में तो इस मुकाबले में कोई दूसरी मोटरसाइकिल इतनी एवरेज दे ही नहीं रही जितनी आप बता रहे हो इस हिसाब से। मैं तो अपनी की कह सकूँ, मैं अपनी बाइक की कह सकूँ, मेरी ने 18 रुपये का लिया पेट्रोल, 40 किलोमीटर में 18 रुपये का पेट्रोल लग गया मेरा। कब ली थी आपने ये बाइक? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ली? हाँ। आप ही चलाते हैं इसको? हाँ, खुद मैं चलाऊँ। अच्छा, ये मोटरसाइकिल जो गई थी उनमें शामिल थे, तो कितना आपकी बाइक ने एवरेज दिया है? सर, मेरी बाइक अभी 40 किलोमीटर राउंड करके आई है और मेरी बाइक में 6.50 पैसे का ऑयल डला है अभी, आपके सामने डला था वो। आपके सामने ही मैंने टैंक फुल करवाया था, उतना ही राउंड अभी है और उतना ही राउंड मैंने अभी आने के बाद करवाया है। तो ये बात कुछ अजम सी नहीं हो रही है, तो कंपनी जो दावा कर रही है उससे भी कई गुना ऊपर हो गए तो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी का जो हैंडल 100 एवरेज का जो 100 का वो था उससे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर है। कंपनी तो 1 रुपये किलोमीटर का दावा कर रही है। हाँ, और आप 40 किलोमीटर कह रहे हैं कि मैं 6.5 रुपये में 6.5 रुपये में 6.5 नहीं 6.5 पॉइंट तो आया था, 10 रुपये के लगभग तेल आपका। हाँ, चलो जैसा आप 10 लगा लो।
तो आप कह रहे हो कि ये तो लगा लो आप 1 रुपए किलोमीटर कंपनी कह रही है, आप 10 रुपए में 40 किलोमीटर की आपकी बाइक की एवरेज दे रही है। जी जी, जी ये तो 40 पैसे का मतलब यकीन सा नहीं हो रहा कुछ। सर यकीन नंबर क्यों नहीं लेकिन हुआ है। अभी ये बाइक कब ली थी? ये सर मैंने फरवरी में ली थी सर। फरवरी में ली थी जी। अच्छा आप ही चलाते हैं इस बाइक को? जी सर। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव सर कटवाल है। कटवाल गाँव से? जी जी। तो कितना मोबाइल नंबर कितना है आपसे अगर कोई संपर्क करे भैया चब डिलेक्स इतनी एवरेज दे रही है नहीं दे रही है? मेरा नंबर है सर 8059669194। किसी भी टाइम कोई भी कॉल कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी है। सन्नी है, कहाँ से आप? गोहाना से ही। गोहाना से ही है। हाँ जी। तो आपकी बाइक कितने किलोमीटर का चक्कर लगा के आई है अभी? ये 37 के आसपास। 37 के आसपास। हाँ जी। तो कितने रुपए का तेल डला यहाँ आने के बाद? यहाँ मैंने 500 मतलब आप डला? नहीं, फुल करवा के गए थे आप यहाँ? हाँ जी, फुल करवाया। टंकी को टैंक को फुल करवाया था? हाँ जी, थोड़ा सा। अब दोबारा 37 किलोमीटर का चक्कर लगाने के बाद अब कितना डला है? अब ये 35 to 40 डला है। 40 रुपए का एग्जैक्ट? 40 रुपए का तेल यहाँ डला है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं सर। तो कितनी एवरेज आई आपकी? 1 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लगभग आपकी? हाँ जी, अराउंड 100 के आ गई, 90 बो ही आई है। तो क्या कंपनी का जो दावा है 1 रुपए में 1 किलोमीटर का आप सही मानते हैं? हाँ जी सर। और अब हमारे साथ जो ओनर है हीरो मोटर्स के नरेंद्र गहलाव जिनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आप जो दावा कर रहे थे कि 1 रुपए में 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ हमने देखा कि 2-3 बाइक तो ऐसी भी हैं जिनमें बहुत कम तेल आया है और उनकी एवरेज तो 200 प्लस भी दिखाई दी, इसका क्या कहेंगे? देखो ये तो आपने खुद देखा, मैं तो आपके साथ बैठा था। ये बच्चे गए हैं और ग्रुप में गए हैं, ग्रुप में आए हैं। इन्होंने एक तो बताया है कि कहीं हमने ना तो गियर बदला है और ना 40 से नीचे 35-40 से नीचे ऊपर स्पीड हुई है, बिल्कुल बगैर ब्रेक लगाएं बगैर गियर बदलें। ये इनका 42 किलोमीटर का रन हुआ है और उसमें आपने टैंक भी टॉप अप देखा था और अब भी टॉप अप किया है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त माइलेज है। नहीं, जैसे 6 में से 3 बाइक तो 1 किलोमीटर 1 रुपये में लगभग जो एवरेज दिखाई दी है, लेकिन उनमें से 2-3 मोटरसाइकिलें जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा एवरेज दिखा रही हैं। ये डिफरेंस ये आया है कि जो वो घर से लेकर आए थे उन्होंने यहाँ टॉप अप नहीं करवाया, तेल यहाँ पंप पे टॉप नहीं, जो 5-7-10 किलोमीटर जो पहले उन्हें टॉप अप अपने घर पे शाम को करवाया था कुछ ने, कुछ सुबह करवा के आए हैं, तो उनमें इसलिए तेल ज़्यादा आया है। जो हमने अपने आप यहाँ अपने उस पर अपनी आँखों से डलवाया, आपके सामने वीडियोग्राफिंग थी तो उसके सामने डलवाओ, उस हिसाब से तो कमाल हो रहा है। वैसे हम भी अचमान है, मैंने खुद देखा ये, आपको ही दिखा टैंक अगर ऊपर टैंक में और तेल नहीं आना था, पहले तो जल कितने रहे आओ पर तेल नहीं आ रहा, अगर उसमें कमी होती तो हम वोट डालते। अब तो पूरी खुशी दिखाई दे रही है, पहले तो थोड़ा लग रहा था कि 1 रुपए में भी शायद कितना विश्वास था कि 1 रुपए 1 किलोमीटर पे दिखाएगी मोटरसाइकिल। देखो चैलेंज तो चैलेंज होता है, जब तक चैलेंज को नहीं क्रॉस कर लेते जब तक तो आदमी को भय रहता है कोई भी कम ना हो, ये प्रेस पे जारी होता है ये चीज। पर बाकी मैं ये कहूँगा कि हमारी हीरो की बाइक है ना 125-150 किलोमीटर 1 लीटर में निकाल देते। अब इनाम भी दिए गए हैं इनको? हमने दिया है, हमारा कंपनी के थे वो सम्मान हक किया, बस ज़्यादा तो नहीं। हम एक और करेंगे, इस बात विश्वास हो गया है बहुत अच्छा करेंगे और उसमें इनाम भी रखेंगे। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो ये बाइक का एवरेज टेस्ट के लिए जो आज ये कंपटीशन था, जिस तरह से 5-6 मोटरसाइकिल एक साथ इकट्ठा यहाँ से रवाना की गई थी और उसके बावजूद भी हमने जब वो 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर यहाँ पर पहुँची और उनकी जो एवरेज है तो वो देखकर तो एकदम से सभी अचंभित हैं, क्योंकि दावा किया गया था कंपनी की तरफ से कि 1 रुपया 1 किलोमीटर के हिसाब से बाइक एवरेज देगी, लेकिन उनमें से 1-2 बाइक ने तो उससे भी ज़्यादा 1 रुपया 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा अच्छी किफ़ायती एवरेज देकर कमाल कर दिया है। तो कितनी सच्चाई जो है वो ये आपने अपने तस्वीरों के माध्यम से ही देख लिया कि कंपनी का जो दावा हो किस तरह से सच साबित होता दिखाई दिया है। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।